अस्सलाम के व्यूवर्स, आपकी खिदमत में हाजिर है एक नई वीडियो के साथ। आज हम ये छोटे छोटे बटरफ्लाई बनाएंगे। ये आप बच्चों की क्लिप्स और हेयर बैंड वगैरह में इस्तेमाल कर सकते हैं, और वैसे भी डेकोरेशन पीस के तौर पर भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखिए, हम ये डबल शेड में ये बटरफ्लाइज बनाएंगे। आप अपनी मर्ज़ी से इसमें दो तीन कलर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चले अब हम अपनी वीडियो को बनाना स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा और वीडियो को एंड तक देखिएगा। तो व्यूअर्स, सबसे पहले हमने इस तरह से ये हमने नोट चेन ले ली इस तरह से, और अब हमने एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ, और ये हमने व्यूअर्स दस चेन ले ली। और इसको हमने ये जो फर्स्ट वाली चेन है ये फर्स्ट वाली चेन में हमने इसको इस तरह से अटैच कर देना है। अब हमने एक दो और ये तीन चेन ले ली, और अब हमने ये डबल क्रोशिया यहाँ से स्टार्ट करना है। ऊपर हमने एक दो और ये तीन चेन ले ली, ये फिर हमने इस तरह से ऊपर हमने तीन चेन ले ली। फिर हमने ऊपर व्यूअर्स इसी तरह से हमें ये आठ दफ़ा ये वाले गैप, हमें आठ गैप, ये गैप जो है हमें आठ दफ़ा चाहिए। व्यूअर्स, हम इसको बटरफ्लाई को बनाने के लिए ये थ्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं। ये रेशमी नलकी है वो हम इस्तेमाल कर रहे हैं। आप इसको ऊन के साथ भी बना सकते हैं। तो व्यूअर्स, इसी तरह से करते हुए हमें ये एक दो तीन चार गैप ले लिए, और अब हमें चार गैप ही और चाहिए। तो व्यूअर्स, ये एक दो तीन चार पाँच छः और ये हमने सात गैप ले लिए। अब हम तीन चेन लेते हुए हमने ये जो हमने तीन चेन ली थी ये थर्ड वाली चेन में इसको हमने ये इस तरह से थर्ड वाली चेन में इस तरह से हमने इसको अटैच कर देना है। और एक चेन लेते हुए हमने अपना ये धागे को कट कर देना है। ये कट करने के बाद हम इसको थोड़ा सा जला दें ताकि ये हमारी नोट इसको जला दें ताकि ये हमारी नोट ना खुल सके। अब हम इसका नेक्स्ट स्टेप स्टार्ट करें। तो व्यूअर्स, ये नेक्स्ट स्टेप के लिए हमने थोड़ा लाइट कलर चूज़ किया है। ये अब हमने नोट चेन लेने के बाद तो इसको हमने
यहाँ से स्टार्ट करना है। ये ऊपर हमने तीन चेन लेनी है, नोट ये अटैच करने के बाद तीन चेन ली, ये व्यूवर्स ये फोर टाइम हमने डबल क्रोचेट ले लिया। अब हमने पांच चेन लेनी है, तीन चार और ये पांच चेन ले ली, और अब हमने फिर यहाँ पे ये अब हमने ये चार कंप्लीट कर लिए। अब हमने ये इसी तरह से ये नीडल पर धागा लेते हुए ये नेक्स्ट में जाके फोर उसी तरह से फोर टाइम डबल क्रोचेट बनाना है। ये व्यूवर्स हम इसको बनाने के लिए पैराशूट की थ्रेड इस्तेमाल कर रहे हैं। ये व्यूवर्स फोर टाइम हमारा हो गया। अब हमने फाइव चेन लेनी ऊपर, एक दो तीन चार पाँच, और फिर उसी जगह पे हमने सेम जगह पे फोर टाइम डबल क्रोचेट बनाना है। ये आ गया हमारा फोर। व्यूवर्स ये इसी तरह से करते हुए हमने ये जितने भी गैप्स हैं उसमें तमाम ने हमने इसी तरह से ही ये अपना सारा कंप्लीट करना है। चार डबल क्रोशिए, पांच चेन ऊपर, फिर चार दफ़ा डबल क्रोशिया, और उसके बाद नेक्स्ट गैप में। आप पाँच चेन, एक दो तीन चार और ये पाँच, ये व्यूवर्स इसी तरह से करते हुए हमने ये सारे अपना कंप्लीट कर लेना है। तो व्यूवर्स ये हमने अपना सारा ये कंप्लीट कर लिया है, और ये धागे को कट करके हमने फिर से उसी तरह से थोड़ा सा जला लिया। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, ये जो हमने पांच चेन ली थी अब हमने इसमें से स्टार्ट करना है। तो इस तरह से हमने नौ चेन लेने के बाद ये व्यूवर्स इस तरह से हमने ये अटैच कर लिया, एक दो ये हमने तीन चेन ले ली, तो व्यूवर्स अब हमने ये स्टार्ट करना डबल क्रोशे की मदद से। तो व्यूवर्स हमने इसमें नौ ये डबल क्रोशिया लेने हैं, ये दो हो गए हमारे, तीन चार पाँच छः सात
और ये हमारा आ गया 9। ये व्यूवर्स हमने 9 क्रोशिया लेने के बाद एक और ये दो चेन, हमने सिर्फ दो चेन लेनी है और दोबारा से उसी खाने में, इसी खाने में हमने फिर से 9 डबल क्रोशिए लेने, एक दो तीन चार पांच छः सात आठ और ये आ गया हमारा 9। अब व्यूअर्स हमने इसको ये यहाँ पे इस तरह से ये अटैच कर देना है और फिर हमने इसको यहाँ से स्टार्ट करना है। अब फिर व्यूअर्स उसी तरह से हमने 9 दफ़ा डबल क्रोशिया लेना है दो तीन चार पांच छः सात आठ और ये आ गया 9। 9 हो गए। अब हमने ऊपर ये दो चेन ले ली और फिर से हमने इसी खाने में 9 दफ़ा डबल क्रोशिया बनाना। पांच हो गए भी बस छः सात आठ और ये लास्ट 9। और फिर हमने ये चार जो रबर क्रोशे लिए थे उनके सेंटर में हमने इसको इस तरह से अटैच करना है और फिर व्यूअर्स इसी तरह से करते हुए हमने ये जितने भी हमारे ये ऊपर वाले गैप्स हैं उन तमाम में हमने इसी तरह से 9 चेन, 9 डबल क्रोशिए, 2 चेन और फिर 9 डबल क्रोशिया लेते हुए ये अपने सारे इनको कंप्लीट करना है हमें। तो व्यूअर्स ये हमने अपना सारा ये कंप्लीट कर लिया है तो लास्ट में हमने उसी तरह से ये इसको ये सबसे पहले यहाँ पे अटैच करना है, उसके बाद ये जो थर्ड चेन है ये हमने उसके साथ अटैच कर दिया। अब हमने इसी तरह से इसको ये इस तरह से इसको फोल्ड करते हुए ये देखें ये हमने इसको यहाँ ऐसे फोल्ड कर लिया और ये इनके सेंटर में से ये इस तरह से सेंटर में से ये लेते हुए हमने इसको इस तरह से अटैच करते हुए एक चेन ली और ये दूसरी चेन ली और ये इसको हमने ये कटिंग कर दिया। तो व्यूवर्स ये हमारी बटरफ्लाई
ये देखें, ये इस तरह से, ये तो व्यूअर्स, ये हमने अपनी बटरफ्लाई रेडी कर ली है, ये देखिए इस तरह से। उम्मीद है व्यूअर्स आज की हमारी वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो फिर मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।